बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 और ये इलाका ईसा गोड कहलाता है। अगर हम यहाँ से सामने से सीधा आ रहे हों तो आगे की तरफ मुक्का चौक है, मुक्का चौक से उल्टे हाथ पर टर्न लेंगे तो आपको ये प्लाट नज़र आएगा। बेहतरीन ये प्लाट एसपी प्लाट था और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इन लीगल गैर कानूनी तामीरात की गई थी और उनको मसमार करने का अमल जारी है। कल भी मैंने आपको इसकी अपडेट दी थी तो आज फिर दूसरे दिन मैं मौजूद हूँ। हैवी मशीनों के ज़रिए यहाँ पर कार्रवाई जारी है। के डी ए के एम सी की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त जारी है। सेंट्रल डीसी ताह सलीम के ज़ेर निगरानी इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं काफ़ी आरसीसी दुकानें बनाई गई थी और काफ़ी तादाद में ये दुकानें हैं। मैं आपको पूरा व्यू इसका दिखाता हूँ तो हमारे साथ रहें। आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपसे जिक्र किया आरसीसी दुकानें थी, कोई प्रीकास्ट वगैरह नहीं थी। बाकायदा यहाँ पर अभी नई नई कंस्ट्रक्शन लग रही है जो कि इनलीगली तामीरात की जा रही थी। ये दूसरी तरफ से मैं पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ इसका। काफ़ी दुकानें थीं, तकरीबन कल से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज इसका दूसरा दिन है। ये एसटी प्लाट था और जो हमें मालूम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इसको डिमोलिश किया जा रहा है क्योंकि ये गैरकानूनी है और काफ़ी दुकानें थी। बाकायदा एक अब ऊपर से दीरे का रास्ता भी था, ऊपर का भी फ्लोर बंद था। अभी ये ताज़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी और दुकानें नीचे की बनाई जा चुकी थी, ऊपर का भी पोर्शन शुरू होता उससे पहले। केडी और एमसी का मुश्तरका ऑपरेशन और इसको पसमार करने का अमल इस वक्त जारी है। आज 23 अगस्त 2023 और बुध का दिन है। ये पूरी मार्केट चल रही है इस वक्त और ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 और ये इलाका ईसा गोड के नाम से मशहूर है। कराची में आजकल आप देख रहे होंगे तजावीज़ात के ख़िलाफ़ के एम सी एंटी इंक्रोचमेंट के लिए तमाम इदारे जो हैं ऑपरेशन कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी ज़मीन है और इस पर कंस्ट्रक्शन जो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि नई नई स्टार्ट हुई थी। अभी ग्राउंड, इसका बेसमेंट और ग्राउंड बना था
लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिस टाइम ये बन रहे थे तो उस वक्त इदारों की इसकी खबर क्यों ना हुई और क्यों ये एक फ्लोर तक बन चुका था। सवाल एक ये है जो कि सोचने वाली बात है। बहरहाल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। KDA और KMC का मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 ईसा रोड पर जारी है। पुलिस की नफरी भी मौजूद है और इस जगह को पूरा बंद किया हुआ है। रस्सियां लगाकर हंड्रेड में से 85% ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर डिमोलिश हो चुका है। थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया है तो हो सकता है वो आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाए। इसके इर्द गिर्द आबादी है, फ्लैट वगैरह बने हुए हैं और गुलबर्ग फेडरलवी एरिया ब्लॉक 7 का इलाका और ये इसके एक साइड पर कच्ची आबादी है जो ईसा गोड के नाम से मशहूर है। ये देखें इस तरह इसको इसके अगले हिस्से को भी बिल्कुल मसमार कर दिया गया है। कल ये कार्रवाई शुरू की गई थी और आज इस कार्रवाई का दूसरा दिन है। मेरा ख़्याल में आज या सुबह में ये मुकम्मल ऑपरेशन कर लिया जाएगा। सरिया बहुत निकल रहा है इसमें जो कि साइडों में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी अपडेट फेडरलवी एरिया ब्लॉक 7 कराची। कल तक मलबा उठाने का भी मेरा ख्याल में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी अपडेट फेडरलवी एरिया ब्लॉक 7 ईसा गोड की। यहाँ से हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।